शव जो है बरामद हुए हैं, क्या पूरा मामला है? पुलिस थाना बीड़ के अंतर्गत 3 दिन पहले जो है एक युवक और युवती ये स्नोफॉल देखने के लिए बिलिंग गए थे और वापसी में आती बार जो है ये वहाँ से रास्ते से भटक गए थे। तो इसमें इनके साथ जो कुछ लोग गए थे उन्होंने बाद में बताया कि ये लोग घर नहीं पहुँचे हैं नीचे जहाँ पे इनका स्टे था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। तो वहीं पे ही जो पैरेलल रास्ता ऊपर से आता है नीचे के लिए, तो वहाँ पे एक जगह पे इनके साथ जो इनका अपना डॉग था तो डॉग के भौंकने की जो है आवाज़ आई वहाँ पे, और उसके बाद इसको लोकेट किया गया। दोनों की बॉडीज़ जो है एक ही जगह पे मिली हैं, जिसमें जो ये युवक है ये पठानकोट पंजाब का रहने वाला है और युवती जो है ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। और इसमें फिर फर्दर जो युवक है उसका पोस्टमार्टम परिजनों को हैंडओवर कर दिया है, युवती का भी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो अभी इसमें जो भी कारण है उसके फर्दर डेथ के, इनिशियल तौर पे जो पता लगा है कि वो ड्यू टू फॉल गिरे हैं और उसके बाद उनको जैसे हाइपोथर्मिया ठंड के कारण 2 दिन तक उनकी रेस्क्यू नहीं हो पाए, तो उससे उनकी ऐसा मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। परंतु डिटेल में अभी जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हम फर्दर कुछ बता पाएंगे इसमें। दोनों पंजाब के रहने वाले थे? जी, जो युवक है वो पठानकोट पंजाब का रहने वाला और युवती पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अक्सर यहाँ पर आते थे या पहली बार ही? देखिए, ये युवक जो था पिछले 4 सालों से वहाँ पे रह रहा था, ये ट्रैकिंग करता है और बाकी पैराग्लाइडिंग वगैरह भी करता था। और जहाँ तक युवती की बात है तो ये भी कुछ टाइम पहले यहाँ पैराग्लाइडिंग करने के लिए आई थी और इसके संपर्क में थी, और अभी पिछले 1-2 दिन से जो थे साथ ही थे यहाँ पे। सर, इसकी जानकारी जो है वो कैसे प्राप्त हुई है कि ऐसे ऐसे दो शव जो है वो मिले हैं? इनके साथ जो दूसरे लोग गए थे तो उन्होंने जैसे जब पता किया कि वो लोग ठिकाने पे नीचे नहीं पहुँचे हैं, तो उसके पश्चात ही जैसे नेक्स्ट डे स्थानीय जो युवक हैं उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद फिर इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके पश्चात भी उन्होंने ट्रैक बताया कि ये इस ट्रैक से होके गए हैं, तो उसमें ढूंढते हुए फिर बाद में बॉडी जो है वहाँ पे एक जगह पे मिली है। असर बर्फबारी काफ़ी हुई है, तो ऐसे में जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे हादसे जो है दोबारा ना हो? हम लगातार पर्यटकों से अपील करते रहे हैं कि जिस प्रकार बर्फ और बारिश पहाड़ों में होती है, आपको अब बर्फबारी में जो रास्ता है जो ट्रैक रहते हैं तो ट्रैक में बर्फ रहती है और आप कभी भी जो है भटक सकते हैं, और क्योंकि बर्फ़ जो है ये परमानेंट स्नो तो होती नहीं है, तो इससे ना तो कोई डिच है, गड्ढा है, कोई खाई है उसका भी पता नहीं चलता है, तो कभी भी हादसे का शिकार जो है वो पर्यटक हो सकते हैं। तो बर्फ़ के लिए आना तो ठीक है, अच्छी बात है, देखने के लिए पर्यटक वेलकम है, परंतु जब भी वो कहीं ट्रैकिंग के लिए इस तरह की गतिविधि में जाते हैं तो एटलीस्ट जो स्थानीय लोग हैं उनके संपर्क में रहें, गाइड जो है कोई साथ में रहे जिसको क्षेत्र की जानकारी हो, ताकि इस प्रकार का हादसा जो है वो ना हो। सर, डेथ सिम्टम्स क्या कोई बॉडी पे रिकॉल किए गए हैं? अभी वो डिटेल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे।